सालों बाद अपनी फिल्म की वजह से अमीषा पटेल एक बार फिर से चर्चाओं में है। गदर 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। इसी दौरान अमीषा पटेल की रिलेशनशिप को लेकर के भी बातें सामने आ रही हैं। आखिर अमीषा पटेल ने शादी क्यों नहीं की? अमीषा पटेल का कोई रिश्ता भी कभी भी सामने नहीं आया है। अमीषा पटेल आज के समय में किसके साथ में है रिलेशनशिप में, इन सभी बातों पर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान अमीषा पटेल ने इसका खुलासा किया है। एक इंटरव्यू में अमीषा अपनी मां के साथ पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि उनका एक बॉयफ्रेंड था जिसे वो इंडस्ट्री में आने से पहले मिली थी। वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं था, एक्ट्रेस उससे शादी करना चाहती थी। यही नहीं, एक्ट्रेस के परिवार वाले को भी लड़का पसंद था, लेकिन उनकी शादी उससे नहीं हो सकी। इसके पीछे क्या वजह रही, अमीषा ने ये भी बताया। अमीषा पटेल ने इंटरव्यू में बताया कि वो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था, ऐसे में वो नहीं चाहता था कि अमीषा फिल्मों में काम करे, लेकिन अमीषा पटेल हमेशा ही फिल्मों में एक्टिंग करना चाहती थी, जिस वजह से उनकी जो ये जोड़ी है वो नहीं बनी, जिस वजह से उन्होंने उसे छोड़ दिया। दोनों ने तय किया कि ऐसे में शादी नहीं हो सकती। इस फैसले के साथ 5 साल का अमीषा का प्यार भरा रिश्ता टूट गया और अमीषा ने उसके बाद कभी भी शादी नहीं की। शादी तो छोड़िए, अमीषा कभी भी रिश्ते में भी नहीं आई। वैसे बॉयफ्रेंड ही नहीं बल्कि अमीषा पटेल के पिता और परिवार वाले भी नहीं चाहते थे कि अमीषा पटेल कभी भी फिल्मों में काम करे। वो चाहते थे कि अमीषा फैमिली बिजनेस में हाथ बटाए, लेकिन उन्होंने जिद की और फिल्मों में आने का फैसला किया, जिसके बाद गदर उनके लिए काफ़ी बड़ी फिल्म साबित हुई और गदर से ही अमीषा को एक किक मिली बॉलीवुड में अपना नाम कमाने के लिए। अब दोबारा गदर रिलीज हो रही है। 11 अगस्त को गदर बड़े पर्दे पर आएगी और फैंस अब इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल में ही बता दें कि गदर का एक और गाना रिलीज हो चुका है, जिसमें कहीं ना कहीं गदर की पूरी कहानी को दिखाया गया है।